नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे पार्ट 24, अच्छी अच्छी बातें सीखें। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? अच्छी अच्छी बातें सीखें। तो इस पाठ में बच्चों क्या बताया गया है? बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। अच्छे बच्चे अपने बड़ों का कहना मानते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं? अपने बड़ों यानी जो अपने से बड़े होते हैं, उनका क्या मानते हैं? कहना मानते हैं। मतलब जो बड़े हैं, बड़े में कौन कौन है? अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब क्या है? हमसे बड़े होते हैं। तो क्या अच्छे बच्चे जो हैं, उनका क्या करते हैं? कहना मानते हैं। वह जो भी काम कहते हैं वह करते हैं। कौन? अच्छे बच्चे। वे जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। वे का मतलब यहाँ पर क्या है? अच्छे बच्चे। जल्दी सोते हैं, जल्दी यानी शीघ्र सोते हैं, मतलब रात में क्या है, वो ज्यादा देर नहीं जागते हैं। क्या करते हैं? अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी क्या है, वापस उठ जाते हैं, या सुबह जल्दी जग जाते हैं। सबसे पहले वे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते क्या करते हैं? पहले तो रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और जब उठने के बाद में सुबह जल्दी वो क्या करते हैं? सबसे पहले वे यानी अच्छे बच्चे ईश्वर, ईश्वर का मतलब भगवान की प्रार्थना करते हैं, यानी भगवान का क्या करते हैं? वे सुबह सुबह अच्छे बच्चे उठकर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, या भगवान का जो है मनन करते हैं। वे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? अच्छे बच्चे उठकर भगवान का ध्यान करते हैं। उसके बाद में वे क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा यानी माता पिता को प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार या नतमस्तक। तो सबसे पहले क्या करते हैं अच्छे बच्चे? पहले भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद में माता पिता को प्रणाम करते हैं। अच्छे बच्चे नित्य नियम से दांत साफ करते और नहाते हैं। तो देखो बच्चों, अब जो अच्छे बच्चे वो क्या करते हैं? नित्य, नित्य का मतलब रोजाना, नियम से दांत साफ करते, क्या करते हैं? दांत साफ करते हैं और नहाते, मतलब उनका रोजाना का नियम क्या होता है? रोजाना का कि रोजाना उठेंगे, भगवान का जो ध्यान करेंगे, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करेंगे और क्या करते हैं, फिर उसके बाद में अपना जो है रोजाना दांत साफ करते हैं और नहाते हैं। वे हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा, हमेशा यानी रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। जब वो दांत साफ करते हैं, फिर नहाते, उसके बाद में क्या करते हैं? रोजाना धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। वे समय से पाठशाला जाते हैं। वे मतलब अच्छे बच्चे, समय से पाठशाला, तो बच्चों पाठशाला का मतलब क्या है? स्कूल या विद्यालय जाते हैं। तो अच्छे बच्चे होते क्या है? कभी भी स्कूल जाने में देरी नहीं करते हैं, वह समय से स्कूल चले जाते हैं। वे अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब अच्छे बच्चे अपने गुरुजनों, गुरुजनों यानी बच्चे स्कूल में क्या है? टीचर है ना, टीचर या अध्यापक का क्या करते हैं? आज्ञा का, आज्ञा मतलब आदेश, आदेश या हुक्म। जो अध्यापक अच्छे बच्चों को बोलते हैं या आदेश देते हैं, तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? उन आज्ञाओं का पालन करते हैं। जिस तरह से अध्यापक कहता है, उसी तरह से वह करते हैं। अच्छे बच्चे कक्षा में कभी शोर नहीं करते। तो जो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी कक्षा में या क्लास में कभी शोर, शोर का मतलब हल्ला या धूम है ना, कभी भी शोर नहीं करते हैं। वह क्या करते हैं अच्छे बच्चे? जो अपना स्कूल, स्कूल में जो भी वर्क दिया जाता है वह करते हैं। मतलब स्कूल में अच्छे बच्चे या अपनी क्लास में कभी बदमाशी नहीं करते हैं।
वे अपने साथियों के साथ कभी झगड़ा नहीं करते। तो जो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वे अपने साथियों साथियों यानी जो बच्चों अपने क्लास में क्या होते हैं, अपने फ्रेंड होते हैं, क्या है साथियों। तो साथियों का मतलब क्या होता है, मित्र या दोस्त। तो जो अपने साथियों के साथ वो क्या करते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे आपस में मिल जुल कर रहते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, आपस में क्या करते हैं, मिलजुल कर यानी एक साथ। कि अब जो अपने दोस्त हैं उनके साथ में क्या रहते हैं, मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। वे अपना गृह कार्य समय पर करते हैं। तो बच्चों अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गृह कार्य नहीं, जो हमें स्कूल से टीचर के द्वारा जो वर्क दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, घर के लिए जो वर्क दिया जाता है उसे गृह कार्य, है ना, होमवर्क। तो गृह कार्य यानी घर पर दिया जाने वाला कार्य, उसे क्या बोलेंगे, गृह कार्य। तो जो भी स्कूल से टीचर के द्वारा जो हमें होमवर्क दिया जाता है, तो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपना जो गृह कार्य है समय पर करते हैं। अच्छे बच्चों को सभी प्यार करते हैं। तो बच्चों जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, सभी प्यार करते हैं। हर जगह उनकी बड़ाई होती है। तो सभी जगह, चाहे घर हो, बाहर हो, स्कूल हो, तो अच्छे बच्चों की क्या होती है, बड़ाई। बड़ाई यानी तारीफ। तो सभी क्या करते हैं, अच्छे बच्चों की तारीफ करते हैं, या हर जगह उनकी तारीफ होती है। हम सबको भी हमेशा अच्छी अच्छी बातें सीखकर अच्छा बच्चा बनना चाहिए। तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है, कि हम सबको भी, जो हम सब हैं उनको भी क्या है, अच्छी अच्छी बातें सीखकर हमें भी क्या बनना चाहिए, अच्छा बच्चा बनना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, कि बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना, उसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और हमें रोजाना क्या करना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए, नियम जिससे क्या होगा, हम अपना जो कार्य है वह समय पर कर सकते हैं, है ना। और समय पर हमें स्कूल जाना चाहिए, और हमें सभी बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों आप भी इसी तरह अच्छी अच्छी बातें सीखें, और क्या है, नियमों का पालन करें। तो बच्चों अब हम करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। देखो बच्चों सबसे पहला शब्द क्या है, ईश्वर। अब देखो ईश्वर का अर्थ क्या होगा, ईश्वर का मतलब होगा भगवान। अगला शब्द है प्रार्थना। क्या है, प्रार्थना। अब देखो प्रार्थना का मतलब क्या होगा, निवेदन। क्या होता है, निवेदन। अब देखो अगला शब्द प्रणाम। क्या है, प्रणाम। अब देखो प्रणाम का मतलब क्या है, नमस्कार या अभिवादन। क्या है, नमस्कार या अभिवादन। अगला शब्द है नित्य। नित्य का मतलब रोजाना। क्या होगा, रोजाना या हमेशा। अगला शब्द है पाठशाला। क्या है, पाठशाला। अब देखो पाठशाला का मतलब क्या है, विद्यालय या स्कूल। क्या होगा, विद्यालय या स्कूल। अगला शब्द है गुरुजन। क्या है, गुरुजन। और गुरुजन का मतलब क्या होता है, अध्यापक। क्या होता है, अध्यापक। अगला शब्द आज्ञा। आज्ञा का मतलब क्या होगा, आदेश या हुक्म। क्या होगा, आदेश यानी आज्ञा, यानी किसी को कुछ कार्य करने के लिए आदेश देना। तो आज्ञा का मतलब होगा आदेश या हुक्म। अगला शब्द है शोर। क्या होगा, शोर। अब देखो शोर का मतलब क्या है, हल्ला। क्या है, हल्ला। अगला साथियों। अब देखो साथियों का मतलब क्या होगा, मित्रों। अगला शब्द है झगड़ा। झगड़ा का मतलब लड़ाई। क्या होता है, झगड़ा यानी लड़ाई। अगला शब्द है मिलजुल। क्या है, मिलजुल। और मिलजुल का मतलब होगा एक साथ। अगला शब्द ग्रह कार्य। क्या है, ग्रह कार्य। तो बच्चों ग्रह का मतलब क्या होता है, घर। कार्य यानी काम, है ना। ग्रह कार्य यानी घर का काम। तो देखो ग्रह कार्य का मतलब क्या होगा, घर पर किया जाने वाला
कार्य, गृह कार्य यानी जो हमें अध्यापक के द्वारा घर पर दिया जाता है ना कार्य करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? गृह कार्य। अगला शब्द है बड़ाई। बड़ाई का मतलब तारीफ। क्या होगा? तारीफ। बच्चों अब हम करते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न क्या है? कहिए हाँ या ना। तो इस प्रश्न में करना क्या है? जो ये वाक्य दे रखे हैं, अगर सही है तो हाँ और गलत है तो ना। तो देखो सबसे पहला सवाल क्या है? अच्छे बच्चे सुबह देर से जागते हैं। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा, उसमें अच्छे बच्चे क्या करते हैं? सुबह देर से जागते हैं। कि ये वाक्य सही है या गलत है? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वह सुबह जल्दी जागते हैं, और इसमें क्या है? देर से। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। तो गलत वाक्य में हम क्या लिखेंगे? ना, क्योंकि अच्छे बच्चे क्या है? सुबह जल्दी जागते हैं। अगला वाक्य, अच्छे बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या बच्चों अच्छे बच्चे मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, अच्छे बच्चे क्या करते हैं? मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि ये वाक्य क्या है? सही है। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। अगला वाक्य, वे नित्य समय से पाठशाला जाते हैं। वे कौन? अच्छे बच्चे। नित्य, नित्य यानी रोजाना, समय से पाठशाला, पाठशाला का मतलब क्या होगा? स्कूल। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो ये वाक्य क्या सही है? अच्छे बच्चे नित्य रोजाना पाठशाला जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा? हाँ, क्योंकि अच्छे बच्चे क्या है? रोजाना स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो, वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों इसमें करना क्या है? जो वाक्य है वह क्या है? अधूरे है। तो हमको करना क्या है? इन वाक्यों को पूरा करना है। तो देखो पहला सवाल क्या है? अच्छे बच्चे कक्षा में शोर, खाली जगह। तो देखो बच्चों इसमें क्या आएगा? देखो इसमें क्या भरेंगे हम? अच्छे बच्चे कक्षा में शोर क्या आएगा? कभी नहीं करते। क्या आएगा? करते। तो इसको हमारा वाक्य क्या बना? अच्छे बच्चे कक्षा में शोर कभी नहीं करते। अगला वाक्य देखें, वे अपना गृह कार्य समय पर खाली जगह। तो इसमें क्या आएगा? करते हैं। क्या आएगा? करते, करते हैं। देखो हमारा वाक्य क्या बना बच्चों? वे अपना गृह कार्य समय पर करते हैं। वे कौन? अच्छे बच्चे अपना गृह कार्य, गृह कार्य यानी घर पर दिया जाने वाला कार्य, समय यानी टाइम पर क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अगला वाक्य, अच्छे बच्चों को सभी प्यार, खाली जगह। तो बताओ क्या आएगा? अच्छे बच्चों को सभी प्यार करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? करते, करते हैं। तो हमारा वाक्य क्या बना? अच्छे बच्चों को सभी प्यार करते हैं। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या तीन, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो इस प्रश्न में करना क्या है बच्चों? जो ये वाक्य है ये क्या है? बीच में खाली है, और दो ये क्या वाक्य के बाद में दो विकल्प है। हमको क्या करना है? जो सही विकल्प है उसको खाली जगह में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो देखो पहला सवाल क्या है? अच्छे बच्चे खाली जगह कपड़े पहनते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? दो विकल्प है। पहले इनको पढ़ते हैं। पहला है साफ सुथरे। क्या है? साफ सुथरे। और दूसरा विकल्प क्या है? गंदे। तो देखो ये वाक्य क्या है? अच्छे बच्चे खाली जगह कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों जब हमने पाठ पढ़ा तो उसमें अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं? साफ सुथरे या गंदे, बताइए। तो इसमें क्या आएगा? साफ सुथरे। क्या आएगा? साफ
सुथरे, सु थ रे, क्या लिखा बच्चों हमने, साफ सुथरे। तो हमारा वाक्य क्या बना, अच्छे बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। अगला सवाल, वे अपने खाली जगह को प्रणाम करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, दो विकल्प है, पहला माता पिता, दूसरा भाई बहन। तो देखो वे अपने, वे का मतलब अच्छे बच्चे, अपने खाली जगह को प्रणाम करते हैं। अच्छे बच्चे बच्चों जब सुबह जगते हैं तो सबसे पहले किसका ध्यान करते हैं, भगवान का, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, पहला माता पिता। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माता, फिर हम लिखेंगे पिता, क्या लिखा माता पिता। तो हमारा वाक्य क्या बना, वे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। अगला सवाल, अच्छे बच्चों की हर जगह खाली जगह होती है। तो अच्छे बच्चों की हर जगह क्या होती है, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे विकल्प को, पहला विकल्प बुराई और दूसरा है बड़ाई। तो बच्चों आप बताओ जो अच्छे बच्चे होते हैं है ना, उनकी हर जगह क्या होती है, उनकी हर जगह क्या होती है, बड़ाई। बड़ाई का मतलब तारीफ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ब डा ई, क्या लिखा हमने, बड़ाई। तो देखो वाक्य क्या बना, अच्छे बच्चों की हर जगह बड़ाई होती है। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या चार, अक्षरों तथा मात्राओं को जोड़कर लिखिए। तो बच्चों इसमें करना क्या है, ये जो क्या है अक्षर और मात्रा है, हमको करना है इनको जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन अक्षर और मात्राओं को। तो देखो पहला सवाल, ब धन च, च कौन सा है, च हलंत वाला, मतलब च क्या है आधा है, धन च धन एक ही मात्रा। अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है, ब, तो इधर हम क्या लिखेंगे, ब, उसके बाद में हलंत वाला च, क्या है हलंत वाला च। तो देखो इसको आधा कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा आधा च, अब ये क्या है च, और च के नीचे हलंत नहीं है, मतलब च क्या है, च पूरा है। तो इसे हम लिखेंगे च, और च के बाद में देखो किसकी मात्रा है, ए की, इसी का लगाएंगे च के ऊपर। तो हमारा शब्द क्या बना, बच्चे, क्या शब्द बना, बच्चे। अगला स धन उ की मात्रा, धन ब धन ह, इन्हें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। देखो बच्चों सबसे पहला अक्षर क्या है, श, उसके बाद में उ की मात्रा, तो स के साथ में हम लगाएंगे उ की मात्रा, तो क्या बना सु, अगला अक्षर है ब, हमने लिखा ब, और ब के बाद बच्चों क्या है ह, तो देखो हमारा शब्द क्या बना, सु ब ह, सुबह। अगला सवाल, ये किसकी मात्रा है, ई की, तो ई की मात्रा धन न धन य धन म। अब देखो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न, न के बाद में अब देखो क्या है, सब ये न के साथ में हम ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी है इसलिए न के आगे लगेगी, तो क्या बना नी, अगला अक्षर है य, य उसके बाद में क्या है म, तो इधर हमने लिखा म, तो हमारा शब्द क्या बना नी य म, नियम। अगला सवाल, म धन आ की मात्रा, धन त धन आ की मात्रा। अब हम क्या करेंगे, अक्षर और मात्रा को जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। तो बच्चों पहला अक्षर क्या है म, इधर हमने लिखा म, म के बाद में क्या है आ की मात्रा,
तो म और ब के साथ में लगाई आ की मात्रा, तो क्या बना मा। अगला अक्षर है त, त त के साथ में लगाई आ की मात्रा, तो क्या बना ता। तो बच्चों हमारा शब्द क्या बना माता, माता। अगला सवाल प धन र पदेन की मात्रा, धन ण धन आ की मात्रा धन न। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों पहला अक्षर क्या है प, क्या है प, प के बाद में क्या है र पदेन की मात्रा, तो प, प के साथ में र पदेन की मात्रा लगे क्या बना प्र। अगला अक्षर ण, तो ये ण के साथ में किसकी मात्रा लगाएंगे आ की, तो ण और आ की मात्रा क्या बना ण। अगला अक्षर है म, तो बच्चों हमारा जो शब्द है क्या बना प्रणाम, प्रणाम। अगला सवाल देखो ये क्या है प, प कैसा है नीचे हलंत वाला, मतलब प क्या है आधा है, तो आधा प धन य धन आ की मात्रा धन प्र। अब हमें क्या करना है इनको जोड़ना है, तो देखो ये प इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है आधा प। अब हम लिखेंगे अगला अक्षर य, तो देखो क्या बना आधा प और ये य क्या बना प्य, क्या बना प्य। अब देखो य के साथ में किसकी मात्रा लगाएंगे आ की, तो ये क्या बना, अब इसको कैसे पढ़ेंगे प्या, क्या बना प्या। अगला अक्षर र, तो देखो अब क्या बना प्यार, क्या बना प्यार। अगला सवाल ह धन म धन ए की मात्रा धन श धन आ की मात्रा, अब बच्चों इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहला अक्षर क्या है ह, अगला अक्षर म, इसके बाद में म के साथ में किसकी मात्रा है ए की, कहां लगाई म के साथ में, तो क्या बना मे। अगला अक्षर है श, श के बाद में आ की मात्रा, तो श और आ की मात्रा मिलकर बना शा, तो हमारा शब्द बना ह मे शा हमेशा। अगला सवाल ई की मात्रा धन प धन त धन आ की मात्रा, अब देखो इन्हें कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प, क्योंकि किसकी मात्रा है छोटी ई की, अब लगाएंगे हम प के साथ में छोटी की मात्रा, तो क्या बना पी। अब देखो अगला अक्षर क्या है त, त के बाद आ की मात्रा, तो बच्चों त और आ की मात्रा मिलकर बना ता, तो हमारा शब्द क्या बना पी ता, पिता। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न संख्या पांच, क्या है प्रश्न संख्या पांच, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, हमको क्या करना है, तो ये शब्द है इनका उल्टा शब्द हमको लिखना है। तो देखो सबसे पहला शब्द क्या है एक, क्या है एक, और एक का क्या हो जाएगा अनेक, है ना, कोई एक चीज है और एक चीज का उल्टा क्या हो जाएगा बहुत सारी, है ना, तो देखो एक, एक का उल्टा अनेक, तो इधर हम क्या लिखेंगे अ ने क, तो एक, एक का उल्टा अनेक। अगला शब्द, अगला शब्द है कोमल, क्या है कोमल यानी मुलायम, तो कोमल, कोमल का उल्टा क्या हो जाएगा कठोर, क्या हो जाएगा कठोर, तो इधर हम क्या लिखेंगे क ठो र, तो बच्चों कोमल, कोमल शब्द का उल्टा क्या बना कठोर। अगला शब्द, अगला है अपना, क्या है अपना, अपना, अपना का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा पराया, क्या होगा पराया, तो देखो प रा या पराया, तो बच्चों अपना, अपना शब्द का उल्टा हो जाएगा पराया। अगला शब्द, अगला शब्द है जीत, क्या है जीत, और बच्चों जीत, जीत का उल्टा क्या होगा हार, क्या होगा हार, क्या लिखा हार, तो बच्चों जीत, जीत का उल्टा हार। अगला शब्द, अगला शब्द है सुबह, क्या है सुबह, और बच्चों सुबह, सुबह का उल्टा शब्द क्या होगा
श्याम, क्या होगा? श्याम, श्याम, मुम, श्याम। अगला शब्द है अच्छा, क्या है? अच्छा। अब देखो अच्छा, अच्छा का उल्टा शब्द क्या होगा? बुरा, क्या हो जाएगा? बुरा, बुरा। तो बच्चों देखो हमने कौन कौन से शब्द सीखे, एक, एक का उल्टा हो जाएगा अनेक, कोमल, कोमल का कठोर, अपना, अपना का उल्टा हो जाएगा पराया। अगला शब्द जीत, जीत का उल्टा क्या हो जाएगा? हार। सुबह, सुबह का उल्टा शाम। अच्छा, अच्छा का उल्टा बुरा। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या छह। क्या है प्रश्न संख्या छह? सुलेख लिखिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वाक्य दे रखा है, हम इसको पढ़ेंगे और फिर जो खाली जगह है इसमें वापस इस वाक्य को इसी तरह वापस लिखेंगे। तो देखो क्या है हमारा वाक्य, सबसे मीठा बोलो। क्या है वाक्य? सबसे मीठा बोलो। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इस वाक्य को जो नीचे खाली जगह है इसमें वापस लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले पहला शब्द क्या है, सबसे, क्या है? सबसे। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे स ब से, क्या लिखा? सबसे। अगला शब्द है मीठा, मीठा, मीठा। अगला शब्द बोलो, क्या लिखा? बोलो। तो बच्चों हमने क्या लिखा है सुलेख में, सबसे मीठा बोलो। तो बच्चों ये क्या है, ये भी एक अच्छी बात है, हमें सबके साथ में मीठा बोलना चाहिए और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों आज हमने क्या पाठ पढ़ा, अच्छी अच्छी बातें सीखे। तो बच्चों हमें भी अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। बच्चों आप भी इस पाठ को घर पर पढ़े और अच्छी अच्छी बातें सीखे और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।